आज हम बनाने वाले बहुत इजी सा रेसिपी जो कि एक शरबत की रेसिपी। इसको देख के आपको पता चल गया होगा कौन सा रेसिपी हम बनाने वाले हैं। तो आज हम बनाएंगे मुस्कमिलन या खरबूजा की शरबत। आसानी से बनाएंगे, फटाफट 5 मिनट में बन के तैयार होता है। इस मुस्कमिलन इसका साइज आप देख रहे हैं, 1 किलो का है मुस्कमिलन। इसकी अंदर से 20 को मैंने निकाल दी है और कल आधा इसका बना के मैंने तैयार किए थे और आधा आज हम इसको बनाएंगे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 1 टेबलस्पून सब्जा सीड्स ले लेंगे, सब्जा या तुलसी के बीज। इसमें हम पानी ऐड करेंगे 1 कप। इसको भिगोएंगे 10 से 15 मिनट। शरबत में इसको ऐड करना है। ये जो सब्जा सीड्स है ये सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अभी हम इसको साइड में 15-20 मिनट के लिए रख लेंगे। जो आधा खरबूजा हमने लिए है शरबत बनाने के लिए, उसकी अंदर से मैंने पल्प को इकट्ठा कर लिया है। इस तरीके से स्पून से ही पल्प को निकालना है और खरबूजा के अंदर बहुत बढ़िया पल्प निकलता है, जिसमें से आसानी से आइसक्रीम हो या कोई डेजर्ट हो या कस्टर्ड में डाल सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है इसमें से। 2-3 सीड्स रह गया है, उसको भी निकाल देंगे। एक ब्लेंडर की जार में खरबूजा की पल्प को ले लेंगे। इसमें मैंने 1 ग्लास उबला हुआ ठंडा दूध मिला दी है। जो मिल्क का हम यूज़ करेंगे वो ठंडा होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आगे जाके हम बर्फ़ वगैरह डालें तो टेस्ट में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो पहले से ही ठंडा दूध लेना है। आधा कप ले लेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क की वजह से ये जो शरबत या मिल्क शेक का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अभी हम शक्कर डालेंगे। दूध हमने ऑलरेडी 1 ग्लास डाल चुके हैं, तो शक्कर तो थोड़ा डालना है। तो 3 टेबल स्पून मैं यहाँ ले रही हूँ। अगर कम पड़ा तो बाद में और थोड़ा सा डाल देंगे। अच्छे से इसको ब्लेंड करके ले आएंगे। ब्लेंड कर ली मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को। खरबूजा के अंदर से पल्प निकालने के बाद ये जो कवर है उसका, इसमें भी हम सर्व करेंगे मिल्क शेक को, और 2 ग्लास ले लेंगे। खरबूजा का जो बाहर का हिस्सा है उसका कलर कितना अच्छा दिख रहा है आप देख सकते हो। 10 मिनट बाद सब्जा सीड्स जो है अच्छे से भीग चुका है, तो ग्लास में और ये जो खरबूजा का ऊपर का हिस्सा हमने लिए सब में हम सब्जा सीड्स ले लेंगे 2-2 टीस्पून। उसके ऊपर खरबूजा मिक्स को डालेंगे जिसको हमने ब्लेंड करके रखे हैं। सेम प्रोसेस में अगर आप सर्व करते हो तो ये मिल्क शेक किसको बोल सकते हैं या शरबत बोल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा सिवई और उसके ऊपर आइसक्रीम डाल के इसको ले लिए तो ये फालूदा भी हो सकता है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स आइसक्रीम और उसके साथ सिवई अगर आप ले लेते हो। अभी हमारा खरबूजा का शरबत या मिल्क शेक बन के तैयार है। ये रेसिपी आप ज़रूर एक बार ट्राई करें, क्योंकि यही मौसम में खरबूजा बहुत बढ़िया मिलता है, तो खरबूजा से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। रेसिपी के बारे में आपके मन में जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरीके की बहुत सारी नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।